हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द असेसमेंट जोन ऑफ क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 1 अडेप्टेशन इन प्लांट्स विच इज़ ऑन योर बुक पेज नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट असेसमेंट जोन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनमें से जो भी सही आंसर है, चार ऑप्शन में से जो भी एक सही आंसर है उसे हमें टिक करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन हिल्स। ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि हिल्स पर ग्रो नहीं करता है? तो इट्स कोकोनट, सैडर, पाइन या स्प्रूस। सो द करेक्ट आंसर इज कोकोनट, बिकॉज कोकोनट कोस्टल रीजन्स में ग्रो करता है, हिल्स पर ग्रो नहीं करता। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ अ ब्रीथिंग रूट। इनमें से कौन से प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो ब्रीथिंग रूट कहलाती हैं? कैक्टस की, लोटस की, मैनग्रोव की या स्प्रूस की? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनग्रोव, क्योंकि ये मार्श एरिया में, मार्शेज में ग्रो करता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। इनमें से कौन से ट्रीज़ हैं जो अपनी लीव शेड करते हैं विंटर में? एवरग्रीन ट्रीज, डेसीडियस ट्रीज, कॉनिफोरस ट्रीज या बोथ ए एंड बी? सो द आंसर इज डेसीडियस ट्रीज, बिकॉज एवरग्रीन ट्रीज तो क्या रहते हैं, ग्रीन रहते थ्रू आउट द ईयर, वो अपनी कभी भी लीव शेड ही नहीं करते। ऑल राइट, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है Which of the following plants grow in coastal regions? इनमें से कौन सा प्लांट कोस्टल regions पर ग्रो करता है? As we have discussed earlier, कि कोकोनट है जो ग्रो करता है कोस्टल regions पर। Fifth question है Which of the following places has a moderate climate? इनमें से कौन से place का जो climate है वो कैसा climate है? Moderate climate है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। तो ये डेजर्ट्स में होता है, हिल्स में होता है, मार्शेस में होता है या प्लेन्स में होता है? तो प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। ऑलराइट, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं हमारे। अब हम आ जाते हैं बी पर, विच इज़ फाइंड द ऑड वन आउट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो हमें क्या करना है, हमें इन पाँचों में से, चारों में से एक जो भी ऑड वन है उसे हमें निकालना है और हमें ये भी बताना है कि इसका रीज़न क्या है, क्यों हम इसको अलग कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रेला, लोटस, वाटर लिली एंड कैक्टस। सो इसमें से ऑड कौन है? इसमें से ऑड है कैक्टस, क्योंकि बारिश बाकी सारे क्या है, बाकी सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो हम रीज़न में क्या लिख देंगे? ऑल अदर्स आर एक्वेटिक प्लांट। ऑल राइट, अब हम सेकेंड पर आ जाते हैं। सेकेंड है पाइन, सैडर, लोटस या फिर फर। तो इसमें से कौन सा ऑड है? इसमें से लोटस ऑड है। ऑलराइट, बाकी सारे क्यों? क्योंकि बाकी सारे हिल्स पर ग्रो होते हैं। तो यहाँ हम रीज़न में लिख देंगे ऑल अदर्स ग्रो इन हिल्स। नेक्स्ट है पाम, मैंगो, अकेशिया एंड कैक्टस। सो इसमें से कौन सा डिफरेंट है? इसमें से डिफरेंट है मैंगो। मैंगो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी सारे डेजर्ट में ग्रो करते हैं। तो रीज़न हम क्या लिख देंगे? रीज़न हम लिखेंगे ऑल अदर्स ग्रो इन डेजर्ट्स। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है कोकोनट, मैंगो, ट्री एंड मैनग्रोव, इनमें से कौन से अलग है? तो इसमें से हम लगा देंगे मैनग्रोव। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव मार्शेज में ग्रो होता है और बाकी सारे कहाँ ग्रो होते हैं? बाकी सारे ग्रो होते हैं प्लेन्स में। कोकोनट, मैंगो और टी, ये सब हमको प्लेन्स पे देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट देख लेते हैं, वॉल्फिया, पिस्टिया, पाम और वाटर लैक्टस, इसमें से कौन सा अलग है? सो इसमें से अलग है पाम, क्योंकि पाम ट्री कहाँ ग्रो करता है? पाम ट्री हिल्स पर ग्रो करता है और बाकी सारे कौन से प्लांट है? बाकी सारे फ्लोटिंग प्लांट है। तो रीज़न में क्या लिख देंगे हम? रीज़न में हम लिख देंगे ऑल अदर्स आर फ्लोटिंग प्लांट्स। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं फ्लिंदा ब्लैंक्स पर। सो फ्लिंदा ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ अ सबमर्ज्ड प्लांट,
ऊपर दे रखे हैं हमें वर्ड्स, इनमें से हमें क्लूज दे रखे हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करके बताना है इनमें से कौन सा सबमर्ज्ड प्लांट है। तो कौन सा सबमर्ज्ड प्लांट है? टेप ग्रास इज अ सबमर्ज्ड प्लांट। ये क्या रहता है? सबमर्ज का मतलब होता है जो वाटर के अंदर पूरी तरीके से रहता है। और रेड लाइट लोटस तो क्या होता है? वाटर के ऊपर रहता है, फ्लोट करता है। पर टेप ग्रास क्या होती है? टेप ग्रास बिल्कुल वाटर के अंदर रहती है। और राइट, चलिए नेक्स्ट है। डैश इज द प्लांट दैट ग्रोज ऑन द हिल्स। इनमें से कौन सा प्लांट हिल्स पर ग्रो करता है? तो हिल्स पर कौन ग्रो करता है? स्प्रूस ग्रो करता है। तो सेकेंड में आ जाएगा स्प्रूस। फिर थर्ड है, डैश कीप द एक्वेटिक प्लांट्स अफ्लोट। किसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट फ्लोट कर पाते हैं? तो उनका हॉलो स्टेम होता है, मतलब उनका जो तना होता है वो खोखला होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्या है। डैश हेल्प द डेजर्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब बल डेजर्ट प्लांट ही नहीं बल्कि सारे प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? सारे प्लांट्स को वाटर हेल्प करने में रूट ही हेल्प करती है। वाटर एब्जॉर्ब करने में रूट ही हेल्प करती है। ऑल राइट, तो इसमें रूट आ जाएगा। ये बहुत कॉमन आंसर था। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट, डैश इज़ अ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। इसमें से कौन सा एक्वेटिक प्लांट फिक्स्ड है? तो लास्ट क्या बचा है हमारे पास? वाटर लिली। सो वाटर लिली फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट हो गया। ऑल राइट, चलिए आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।